नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज जहां पर हम कवर करेंगे जो हमारे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया स्कीम्स हैं उनको। होता क्या है, कोई भी एग्जाम आता है UPSC BPSC UPSC, तो दोस्तों हमारे जो एस्पिरेंट है वो भागते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के पीछे उसको पढ़ने के लिए। दोस्तों जितने भी हमारे मटेरियल है नेट पे, हमारे जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उसमें जो स्कीम्स हैं दोस्तों उनको पार्शली कवर किया जाता है। आपको दोस्तों उससे पूरी जो होते हैं तो वो नहीं मिल पाती, आपको लगता है कि दोस्तों कुछ छूट रहा है। तो हम करेंगे क्या कि दोस्तों जो स्कीम्स हैं हमारे मंत्रालय के, हम आपके साथ पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, हमारे जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है ना, जितने भी स्कीम्स लॉन्च करी हैं हमारे मिनिस्ट्रीज ने, सबको हम पढ़ेंगे डिटेल में। और दोस्तों ये जो स्कीम्स है मैं आपके साथ पढ़ूंगा, ठीक है ना सर। तो दोस्तों इससे सब इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जब हम कोई स्कीम पढ़ते हैं तो दोस्तों हम किन किन बातों पर ध्यान देते हैं वो आपको जानने को मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो पूरा वीडियो होगा दोस्तों, इसमें जिससे कि कई सारे पार्ट्स में आएंगे, तो ये पार्ट नंबर 1 है। और हम करेंगे क्या कि जो स्कीम्स होते हैं इनकी मेन बातें क्या होती है, देखो ध्यान से, जो हमारे स्कीम्स होते हैं पहले देखेंगे कि उसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, मतलब दोस्तों मंत्रालय है, वो कौन सा है, इसकी फंडिंग कैसे हो रही है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे जैसे किया जाएगा दोस्तों, है ना, और इसके जो फीचर्स होंगे वो क्या होंगे। तो ये जो मेन 4 पॉइंट हैं वो देखेंगे, क्या क्या मंत्रालय कौन सा है, फंडिंग कहाँ से आती है, उसको जो इम्प्लीमेंट करेगा वो कौन होगा, और दोस्तों जो हमारा फीचर्स होंगे वो क्या होंगे दोस्तों हमारे स्कीम के, वो समझेंगे। पहले देखो, 3 तरह की स्कीम्स होती हैं। पहला होता है हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरा होता है सेंट्रलियन स्पॉन्सर्ड स्कीम, तीसरा हमारा होता है स्टेट स्कीम। जो हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है उसमें जो फंडिंग होती है पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह से आती है दोस्तों, मतलब क्या, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो पूरा पैसा लगा होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, यूनियन का होता है, और उसको इम्प्लीमेंट भी करता है हमारा केंद्रीय सरकार ही, ठीक है। जनरली जो भी सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में लिस्टेड हैं, कौन सा लिस्ट, हमारा जो शेड्यूल 7 है ना, इसका जो लिस्ट 1 है कौन सा, हमारा जो यूनियन लिस्ट है इसमें जो हमारे सब्जेक्ट हैं उस पर हमारे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स बनाई जाती हैं। अगला हमारा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अच्छा देखो, जिन दोस्तों को लगता है कि हम थोड़ा सा जैसे कि स्लो पढ़ा रहे हैं इस वीडियो में, तो सर ऊपर वीडियो में होता है स्पीड बढ़ाने का फंक्शन, ठीक है ना, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो हम करेंगे क्या ना कि जो पूरे स्कीम्स हैं, देखो अभी तो कुछ पन्ने आपको मिलेंगे रंगीले पीले, आगे दोस्तों जो हमारे स्कीम्स हैं ना इनको हम आपके साथ पूरा पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको बने रहना है ताकि देखो होगा क्या ना कि हमारे जो पूरे स्कीम्स होंगे आपकी एक साथ कवर हो जाएंगी सारे मंत्रालय के। तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में। जो हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसकी जो फंडिंग होती है इसको शेयर किया जाता है स्टेट्स और यूनियन के बीच में, ठीक है दोस्तों। फंडिंग तो आई दोनों तरफ से, और इसको इम्प्लीमेंट करेगा हमारा केंद्र सरकार। जनरली जो हमारे विषय लिस्टेड हैं स्टेट लिस्ट में, कौन सा लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 ऑफ 7th शेड्यूल बस में आती है, उन विषयों पर जो स्कीम्स होती है ना वो बनती है हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में। थर्ड हमारा होता है क्या, स्टेट स्कीम, इसका जो पैसा आता है वो आता है राज्यों से, और दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट करती है हमारी राज्य सरकारें, ठीक है ना। जो हमारे स्टेट स्कीम है वो पैसा कहाँ से आएगा, स्टेट से, और इसको इम्प्लीमेंट करेगी हमारी राज्य सरकारें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो हमारे अलग अलग मंत्रालय हैं उनके स्कीम्स की तरफ। पहला हमारा है मंत्रालय ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय। इसका दोस्तों जो सबसे फेमस स्कीम है वो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रूरत दोस्तों इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनको पता नहीं होता कि दोस्तों जो मिट्टी होती है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है ना, कौन सा खाद किस अनुपात में देना है। तो दोस्तों जो फर्टिलाइज़र है उसका ओवर यूज़ होता है कभी कभी, दोस्तों जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं भी होती ना उसको भी डालते हैं हम लोग वहाँ पे। तो जो फर्टिलाइज़र है इसका यूज़ मिनिमाइज़ किया जाए, इसका यूज़ रेशनलाइज़ किया जाए, जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है केवल वही वाले डालें, और दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो फर्टिलिटी है सॉइल की ये बढ़ाई जाए, इसीलिए हमारे जो स्कीम है वो लॉन्च किया गया था सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसके अंतर्गत दोस्तों जो किसान हैं उनको सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा,
कितने किसानों को दोस्तों, 120 मिलियन जो हमारे फार्म्स होल्डिंग्स हैं उनको। ये जो स्कीम है वो लॉन्च किया जा रहा है दो फेज में। पहला फेज चला 2015-17 तक, अगला फेज हमारा शुरू हुआ है 2017 से, जो कि 2019 तक चलेगा। दोस्तों ये स्कीम है, इसमें जो हमारा सॉयल हेल्थ कार्ड है ना, इसको हम इशू करेंगे एक बार प्रति 3 साल में। हम करें क्या कि जो हमारे किसान हैं इसको हम बताएंगे कि जो उनकी मिट्टी है खेत की उसका स्टेटस क्या है, उनको रिकमेंडेशन देंगे कि तुम कौन से खाद का इस्तेमाल करो। मान लो कि उसकी मिट्टी हो गई है एसिडिक, ठीक है ना सर, तो उनको हम बताएंगे कि जो एसिडिटी है उसको कम करने के लिए कौन सा जैसे कि चीज़ डालो। ठीक है दोस्तों, ये जो स्कीम है सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था राजस्थान में 2015 में। द स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कोलेबरेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों इसमें फंडिंग कहाँ से आती है, फंडिंग हमारी आती है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, दोनों तरफ से 50-50 के रेशियो में। अगला हमारा स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सा मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है। ठीक है दोस्तों, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो फसल लगाते हैं हम लोग दोस्तों उस पर। देखो जो खेती किसानी है ना, ये सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है। जितना रिस्क हमारे फार्मिंग में होती है उतना रिस्क दोस्तों किसी बिजनेस में नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप बुआई से लेकर के कटाई तक दोस्तों आप रिस्क फेस करते हैं, ठीक है ना। मान लो कि आपने बुआई करी दोस्तों, जैसे कि समय पर बारिश नहीं हुई, आपके जो बीज होंगे ना उगे गए नहीं, है ना, तो समस्या काफ़ी होती है। मान लो कि दोस्तों आपने कटाई करी, उसको आपने रखा और सर बारिश हो गई, पूरा फसल नुकसान हो गया, है ना। तो प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो होते हैं ना, इनको यहाँ पर कवर किया गया है इस स्कीम में। कौन सा स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पहले आ चुका है, ठीक है ना। हमारे दोस्तों जो स्टेट पीसेस हैं उनमें सवाल जैसे भी इस पर आ सकता है, बहुत जरूरी है वाला स्कीम, इसलिए इसको हम कवर करते हैं अच्छे से। द स्कीम प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज अगेंस्ट क्रॉप लॉस। ध्यान देना, ये जो स्कीम है वो उन किसानों के लिए कंपलसरी है जो क्रॉप लोन ले रहे हैं, ठीक है ना। और जो लोग दोस्तों हमारे जो किसान क्रॉप लोन नहीं ले रहे हैं उनके लिए ये स्कीम वॉलंटरी है, ठीक है। अब बात ये है कि कौन से क्रॉप लगाएंगे दोस्तों, जो क्रॉप नोटिफाइड किए गए हैं उस एरिया में उनके लिए आपको इंश्योरेंस मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों जो प्रीमियम है उस पर कोई कैप नहीं है, मतलब कि आप जितना चाहे उतना एरिया इस इंश्योरेंस के अंतर्गत ला सकते हैं। 1 प्रीमियम रेट ऑन पैन इंडिया बेसिस, पूरे भारत में रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम, खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम, और दोस्तों जो हमारे जो हॉर्टिकल्चर जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं इन पर आपको 5% प्रीमियम देना होगा, ठीक है। नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडीज, आप चाहे जितनी ज़्यादा जगह जो है ना आपके क्रॉप उसको ले आइए इस इंश्योरेंस के तहत, जो भी सब्सिडी बनेगी सरकार आपको देगी, देर इज नो अपर लिमिट, ठीक है। अच्छा, ये सब्सिडी क्या होगी, सब्सिडी दोस्तों ये होगी ना कि देखो मान लो कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है, अगर स्कीम ये लॉन्च नहीं होता और अगर आप दोस्तों जो प्राइवेट कंपनी है ना इंश्योरेंस वाली, अगर उससे आप लेते हैं इंश्योरेंस, मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे ले रही है 7% प्रीमियम, ठीक है ना, रबी फसल के लिए, ठीक है दोस्तों। सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला कि हम केवल 1.5% प्रीमियम ही लेंगे। कितना लेंगे, 1.5%। गवर्नमेंट का दोस्तों लॉस कितने का हो रहा है, गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है 7-1.5 कितने का, 5.5% जो है ना प्रीमियम, ये देगी गवर्नमेंट आपकी जगह पे, यही है आपकी सब्सिडी, बस में आती है। तो दोस्तों जो सब्सिडी होगी ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय द फार्मर। अगला दोस्तों हमारा है कि कौन कौन से लॉसेस कवर किए गए हैं, तो जो नेचुरल फायर है, स्टॉर्म्स है, हेल स्टॉर्म है, साइक्लोन है, इंडेंटेशन है, इन सबको एक जो दोस्तों लोकलाइज कम्युनिटी है इसकी जैसे इसके तौर पर इसको कवर किया गया था। सुनना, इस स्कीम में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज भी कवर किए गए हैं। कौन से लॉसेज, जो हार्वेस्ट करने के बाद आते हैं किसानों पे। पहला है ये सब बातें। दूसरी है कि जो क्लस्टर अप्रोच है ये अडॉप्ट किया जाएगा, जो एक डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप है उसको बना करके वो जो पूरा एरिया है ना वो एक इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत रख दिया जाएगा। वो जो दोस्तों जैसे कि वो जो कंपनी होगा आपको वहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। अब बात ये है कि मान लो कि लॉस हो गया, अब लॉस हुआ तो लॉस कितना हुआ, कितना आपको दोस्तों कवर किया जाएगा, तो ये जो एस्टिमेशन है क्रॉप लॉस का
इसको जल्दी से करने के लिए तो जो टेक्नोलॉजी है ना इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल जो रिमोट टेक्नोलॉजी होती है इसको इस्तेमाल करेंगे, स्मार्टफोन्स, ड्रोन्स, इन सब का इस्तेमाल करेंगे, ये मैंडेटरी है। अच्छा, जो हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके पहले दो स्कीम और आई थी। पहला था हमारा नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS, दूसरा हमारा था मॉडिफाइड NAIS। तो दोस्तों हम लोग करते क्या है ना कि तीनों को हम कंपेयर करते हैं, जो NAIS है, मॉडिफाइड NAIS है और जो फसल बीमा योजना है, तीनों में क्या अंतर है। तो देखो, जो दोस्तों हमारे प्रीमियम रेट थे वो लो थे NAIS में, हाई थे मॉडिफाइड वाले में, और दोस्तों सबसे कम इन तीनों में सबसे कम है किसमें, फसल बीमा योजना में। क्यों कम है दोस्तों? हमारे जो किसान है ना वो प्रीमियम देख करके ही इंश्योरेंस नहीं करवाते थे, ठीक है ना। तो जो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, जो प्रीमियम है इसको काफ़ी कम कर दिया ताकि जो किसान हैं वो इंश्योरेंस को करवाएं। वन प्रीमियम न्यास में था, मॉडिफाइड वाले में नहीं था, FVPI में है। इंश्योरेंस कवर अमाउंट दोस्तों जो न्यास है उसमें पूरा है, जो मेरा मॉडिफाइड दोस्तों था ना उसमें ये कैप था, और दोस्तों हमारा जो फसल बीमा योजना है ना इसमें भी पूरी तरह से आपको कवर किया जाएगा, कोई भी लिमिट नहीं है। लोकलाइज्ड रिस्क कवरेज न्यास में नहीं होती थी, मॉडिफाइड वाले में हेल, स्टॉर्म और लैंडस्लाइड दोस्तों कवर किया गया था। इसमें फसल बीमा योजना में हेल, स्टॉर्म और लैंडस्लाइड के अलावा जो इंडेंटेशन है इसको भी कवर कर रहे हैं। दोस्तों मेरा क्या है यहाँ पर एक जो हमारा है ना क्राइसिस वो एक्स्ट्रा है। अगला है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कवरेज, क्या न्यास में था? नहीं जी, मॉडिफाइड वाले में था। कोस्टल एरिया में दोस्तों जो साइक्लोनिक रेन है उसके कारण जो होगा ना तो उसको कवर किया गया था। सेम काम दोस्तों हमारा जो FVPI है वहाँ पर भी है ना। ईजो टेक्नोलॉजी न्यास में जरूरी था जी, हमारे दोस्तों मॉडिफाइड वाला में है वहाँ पर इंटेंडेड था, और हमारा जो नया वाला है ना स्कीम उसमें मैंडेटरी है रिमोट सेंसिंग के का इस्तेमाल, जो स्मार्टफोन है इसका इस्तेमाल और ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल। अगला हमारा स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि परंपरागत कृषि विकास योजना इट इज़ फॉर व्हाट पर्पस, आपको मैं दे दूंगा चार ऑप्शन ABCD, उसमें से आपको एक रहेगा टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या आंसर होगा मालिक? मेरा ये होगा लगा कि जो स्कीम है ना वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। आपसे सवाल है ये कि देश का पहला जो ऑर्गेनिक स्टेट है वो कौन सा है, आपको उस राज्य का नाम बताना है, ठीक है। दोस्तों हमारे जो परंपरागत कृषि विकास योजना होगा ना इसमें भी हम लोग क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाएंगे, और जो फार्मर्स होंगे उसको फंडिंग दी जाएगी ताकि वो ऑर्गेनिक कृषि अपनाएं। नो लायबिलिटी फॉर फार्मर फॉर एक्सपेंडिचर और सर्टिफिकेशन। देखो होता क्या है, मान लो कि आपने ऑर्गेनिक खेती करी, आपने फसल उपजाई, तो कैसे पता चलेगा मार्केट में कि आपका जो फसल है वो ऑर्गेनिक वाला है ना। आपको दोस्तों चाहिए होगा सर्टिफिकेशन, मगर होता क्या है ना कि गवर्नमेंट ऑफिस जैसे कि हम जो हमारे सरकारी ऑफिस है ना वहाँ पर काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी डिले होता है, और हमारे क्रॉप है पेरिशेबल है ना, तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी फार्मर पे अगर वो सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो। ये हमारा क्या था, परंपरागत कृषि विकास योजना। कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों अगला हमारा स्कीम है मार्केटिंग पे, ये स्कीम है ENAM, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। देखो हमारे जो स्टेट्स हैं, बिहार है, यूपी है, ध्यान सुना, बिहार में जो है ना APMC मंडीज इसको अबोलिश कर दिया गया है, हमारे यहाँ नहीं है बिहार में, ठीक है ना। दोस्तों बाकी जो राज्य हैं वहाँ पर है, तो जो राज्य हैं वो APMC ये मंडीज बनाती हैं, ठीक है ना। जो किसान होते हैं वो जाते हैं अपना फसल लेकर के और अपना फसल बेचते हैं। तो हुआ क्या है, ये जो हमारा ENAM है इसके अंतर्गत जो APMC मंडी है इसको आपस में जोड़ दिया गया है एक वेबसाइट के जरिए, दोस्तों जैसे कि है ना पोर्टल, उसके जरिए ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल होगा। किसका ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पे, जो हमारे कमोडिटी है ना एग्रीकल्चर के उसका ट्रेडिंग करेंगे। ये जो ENAM है ये क्रिएट करता है एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, ठीक है दोस्तों। ये एक वर्चुअल मार्केट है, इसका जो मेन काम होता है ना वो होता है प्राइस डिस्कवरी। मतलब क्या, जो क्रॉप है आपने दोस्तों खेत से जैसे कि अपना फसल कटाई करी उसको बेचना है आपका मार्केट में, आपको पता करना होगा ना कि हाँ भाव क्या चल रहा है हमारे यहाँ, दोस्तों भाव क्या चल रहा है बिहार में, यूपी में, अलग जगह पे, है ना। तो ये सब बातें होंगी। इसका दोस्तों सबसे बड़ा इशू है ना इस स्कीम में, इसका इशू है लॉजिस्टिक्स वाला। मान लो कि आपको पता चला कि बिहार में जो भाव है वो है 100 रुपये किलो, और दोस्तों जो कर्नाटका है वहाँ पर है भाव 200 रुपये किलो, और दोस्तों जो जो
और हमारा जो महाराष्ट्र है वहाँ पर भाव है 150 रुपये किलो। तो दोस्तों आपको जो है ना ट्रांसपोर्ट का खर्चा उसका दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जैसे कि देखा जाएगा जो फसल है उसको हम यहाँ से वहाँ कैसे भेजें जहाँ पर जैसे कि भाव अच्छा मिल रहा है, ये एक बड़ी चीज़ होती है यहाँ पर। अगला है फंडिंग कहाँ से आएगी, तो फंडिंग आती है इस स्कीम के लिए एग्रीकल्चर टेक इंफ्रा फंड से, ठीक है ना। ATIF ये फंड करता है इस प्रोजेक्ट को। ये जो ATIF है इसको किसने बनाया, ATIF को सेटअप किया स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC ने, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं सवाल पूछ दूं आपसे कि जो ई नाम है इट इज़ फंडेड फ्रॉम व्हाट, एग्री टेक इंफ्रा फंड, बस में आती है। अच्छा अगला सवाल पूछ दूं आपसे कि जो एग्रीटेक इंफ्रा फंड है ये संबंधित है किस स्कीम से, क्या बोलना है आपको, हमारा ई नाम से, ठीक है दोस्तों। इससे बातें हो गई। लाइसेंस, लिबरल लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट बाय स्टेट अथॉरिटीज एंड वन लाइसेंस फॉर अ ट्रेडर इज वैलिड अक्रॉस ऑल मार्केट इन द स्टेट। मतलब कि होता क्या था कि आपको अगर एक हमारा मंडी है ना PMC में, वहाँ पर जैसे कि काम करना ट्रेडर के लिए दोस्तों आपको करना क्या होता था, आपको लाइसेंस लेना होता था अलग अलग मंडी के लिए अलग अलग लाइसेंस। अब क्या होगा, एक जो स्टेट है वहाँ पर जितने भी APMC मंडी हैं उनमें काम करने के लिए आपको केवल एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगला है मार्केट फी, देर विल बी सिंगल पॉइंट लेवी ऑन फर्स्ट होलसेल परचेज फ्रॉम द फार्मर। दोस्तों ये जो हमारे जो है ना ई नाम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पैसा कहाँ से आएगा, पैसा हमारा आएगा पूरा केंद्र से। विलिंग स्टेट इनैक्ट सुटेबल प्रोविजन इन देयर APMC, ध्यान सुना APMC एक्ट को हमारे कौन से बनाते हैं, हमारे राज्य बनाते हैं, हमारे राज्य है उसको वो इनैक्ट करते हैं। तो अगर राज्य चाहे तो अपने स्टेट में APMC मार्केट को ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों बिहार ने किया। जो हमारा सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी है ये आपको मंडी मिल जाएंगी, ताकि जो किसान फसल बेचने आया है ना वो साथ साथ अपना जो सॉयल टेस्टिंग है ना वो भी करवा ले। यहाँ पर बताया हमने आपको, क्या मैंने आपको बताया कि ये जो ATIF है इसको एस्टेब्लिश किया है किसने, SFAC ने, स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम ने। थोड़ा सा देख लेते इसके बारे में, ये क्या होता है, ये जो है इट एम टू सपोर्ट न्यू वेंचर्स इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इट ऑल्सो प्रमोट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इंटीग्रेशन इन एग्रीकल्चर वैल्यू चेन। दोस्तों ये जो हमारा कंसोर्टियम है इट गिव्स वेंचर कैपिटल असिस्टेंस, दोस्तों जो हमारा फाइनेंसिंग होता है ना ये करता है, टू सपोर्ट न्यू वेंचर इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अच्छा किन किन लोगों का सपोर्ट करेगा ये, इंडिविजुअल हैं, फार्मर हैं, प्रोड्यूसर ग्रुप्स, पार्टनरशिप्स, प्रोप्राइटरी फर्म्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड कंपनीज एक्सेट्रा, इनको ये सपोर्ट करेगा। अगला हमारा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ध्यान सुनना नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अलग है बाबा, ठीक है ना, और हमारा जो एक्ट है ये हमारा अलग है, ठीक है ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत हम जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो देते हैं बढ़ाने पर ध्यान, ठीक है ना, क्या करना है हमको, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना है। और दूसरा हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना इसके अंतर्गत हमारे जो कुछ अनाज हैं वो आपको हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलेंगे, किनको दोस्तों, हमारे जो है ना बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग उनको, ठीक है ना। तो हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन अलग है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या स्कीम अलग है, मिशन मतलब क्या, ये मिशन है प्रोडक्शन को बढ़ाने का, ठीक है ना, समझ गए अंतर, ध्यान रखना ये बात। ये जो फूड सिक्योरिटी मिशन है इसको लॉन्च किया गया था टू एनहेंस प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट, पल्सेज, कोर्स सीरियल एंड कमर्शियल क्रॉप। अच्छा आपसे मैं पूछूं कि इनमें से कौन कौन से क्रॉप हैं जो कमर्शियल क्रॉप हैं, कॉटन, जूट, शुगर केन, ये तीनों के तीनों कमर्शियल क्रॉप हैं। अच्छा ध्यान सुनना, जो हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें जो हमारे कमर्शियल क्रॉप्स हैं इन पर कितना आपको देना होगा प्रीमियम, मतलब मान लो कि आप लगाते हैं कॉटन, आप लगाते हैं जूट या आप लगाते हैं शुगर केन, तो आपको कितना प्रीमियम देना होगा आपको बताना चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है सर। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपसे। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि जो राइस है, गेहूं है और जो दलहन है इसका जो प्रोडक्शन है उसका इंक्रीज किया जाएगा बाय 10.84 मिलियन टन्स, एंड कोर्स सीरियल जो हमारे जो मोटे अनाज होते हैं ना उनको हमें बढ़ाना होगा
3 मिलियन टन से हमें इसका प्रोडक्शन रेस करना होगा। फंडिंग कहाँ से आएगी? फंडिंग आएगी हमारे राज्य से और केंद्र से, दोनों से। आधा फंडिंग देगा हमारा राज्य सरकार, आधा फंडिंग देगा हमारा केंद्र सरकार। बस में आती है 100% सेंट्रल फंडिंग फॉर कैश क्रॉप। कौन सा कैश क्रॉप बताया था मैंने आपको तुरंत अभी, ठीक है ना। इट वुड बी इंप्लीमेंटेड थ्रू क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ हाई यील्ड सीड्स विथ फार्म मैकेनाइजेशन एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक बात और, हमने आपको बताया ना कि क्या अंतर है हमारे स्कीम में और हमारे मिशन में। हमारा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मिशन एंड द एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। बस में आती है अगला हमारा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के बारे में। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? जो एरिया अंडर इरिगेशन है इसको बढ़ाना है, एक्सटेंडिंग द कवरेज ऑफ इरिगेशन, एरिया अंडर इरिगेशन को बढ़ाना है, इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। बस में आती है इंड टू इंड सॉल्यूशन ऑन सोर्स क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट फील्ड एप्लीकेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज। आगे है इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाई अमलगमेटिंग ऑन गोइंग स्कीम्स। दोस्तों कई सारी जो स्कीम पहले चल रही थी ना, उन सबको कंबाइन करके लॉन्च कर दिया गया PM कृषि सिंचाई योजना। मतलब कि जो पहले के AIBP IWMP DSC तीनों के तीनों स्कीम थे ना, तीनों को मर्ज करके हमने बना दिया है कृषि सिंचाई योजना। क्या था हमारा? एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंतर्गत, ठीक है। फिर हमारा था इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ये था हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत। तीनों को हमने क्या किया दोस्तों, इसको हमने मिला करके ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ये हमारा है OFWM, तीनों को मिला हमने बना दिया सिंचाई योजना, ठीक है। देखो इसको इंप्लीमेंट करेगा इन डिसेंट्रलाइज्ड मैनर थ्रू स्टेट इरिगेशन प्लान एंड डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान, ये बनाए जाएंगे इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगला हमारा है नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिसाइलिएंट एग्रीकल्चर। ये क्या होता है? क्लाइमेट रिसाइलिएंट एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि दोस्तों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो जो फसल हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव हैं उनको कैसे बचाया जाए, ठीक है ना। कोई एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर हाई है, तो वहाँ पर हम कौन सा फसल लगाएं, क्लाइमेट के हिसाब से आपको क्रॉप का सिलेक्शन करना है। क्या होता है हमारा? क्लाइमेट रिसालियंट एग्रीकल्चर। इट इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट, इट हैज़ 3 मेन ऑब्जेक्टिव। पहला हमारा है स्ट्रेटजिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसको लॉन्च किया था किसने? ICAR ने। ये क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका एम क्या है? इसका एम है टू मेक फार्मर सेल्फ रिलायंट बाय यूज ऑफ क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड रिसोर्सेज फॉर सस्टेनिंग एग्रीकल्चर इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके 4 कंपोनेंट हैं, क्या है? रिसर्च है, टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना है, कैपेसिटी बिल्ड करना है और स्पॉन्सर करना है कंपिटेटिव रिसर्च टू फिल क्रिटिकल गैप्स। अगला हमारा है कृषि विज्ञान केंद्र। ये क्या दोस्तों होते हैं? ये हमारे होते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर्स। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर्स होते हैं जिसे क्रिएट किया है ICAR ने। ICAR क्या है? अभी मैंने बताया यहाँ पे हमारा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इट प्रोवाइड टाइप्स ऑफ फार्म सपोर्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। किस तरह का सपोर्ट? मान लो दोस्तों को जानना है फसल वगैरह के बारे में, है ना, हमारे होते हैं कॉल सेक्टर वगैरह, कॉल सेंटर वगैरह, वो सब होते हैं हमारे, ठीक है। इट इज़ क्रिएटेड टू सर्व एज सिंगल विंडो मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग टेक्नोलॉजी नीड्स ऑफ फार्मर एंड एक्ट एज लिंक अमंग रिसर्चर्स एक्सटेंशन फंक्शनरीज लाइक NGO एंड फार्मर। मान लो दोस्तों कोई हमारा NGO है जो काम करता है हमारा एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उसको कनेक्ट किया जाएगा हमारे फार्मर से इन सब केंद्र के जरिए। ये जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं ये ऑपरेट करेंगे अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस। अगला हमारा है मेरा गांव मेरा गौरव। किसका है स्कीम? ये हमारे कृषि मंत्रालय का स्कीम है। द स्कीम इन्विसाइज साइंटिस्ट टू सेलेक्ट विलेजेस एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू फार्मर ऑन टेक्निकल एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। देखो क्या होता है, लैब टू फार्म, लैब से फार्म की ओर जाना है हमें। जो टेक्नोलॉजीज लैब में पैदा हो रही हैं,
ठीक है ना दोस्तों, उसको हमें फार्म में इंप्लीमेंट करना है। कैसे होगा, जब साइंटिस्ट डेवलपमेंट करेंगे उसको देंगे फार्मर्स को टेक्नोलॉजी को, है ना। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो गांव हैं उनको चुनेंगे, और जो किसान हैं उनको इन्फॉर्मेशन देंगे ऑन टेक्निकल एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। इट इंक्लूड साइंटिस्ट फंक्शनिंग एट वेरियस सेंटर एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ ICAR एंड हु आर वर्किंग विथ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है RKVY रफ्तार। ये क्या होता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। कौन सा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। ये एक सेंट्रलियन स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, जो हमारा RKVY है इट हैज़ बीन अप्रूव्ड टू कंटिन्यू एज RKVY फॉर 3 ईयर। कब से कब तक, 17-18 से 19-20 तक दोस्तों, अभी 3 साल अभी और चलेगा ये स्कीम। देखो ये जो रफ्तार, इसमें करेंगे क्या, इसमें जो स्टेट्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। क्यों, ताकि वो इन्हेंस करें अपना एलोकेशन कृषि को और एलाइड एक्टिविटीज़ को। मतलब कि जो बजटरी सपोर्ट जो देते हैं ना किसान हमारे फार्मिंग को, उसको बढ़ाएं, है ना। तो जो हमारे जो भी किसान हमारे जो भी स्टेट बढ़ाएंगे एलोकेशन, उनको और सपोर्ट दिया जाएगा हमारे केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है ना, हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि दोस्तों जो हमारा 4% ग्रोथ रेट है ना, उसको हम अचीव करना है फार्मिंग के केस में। ठीक है, आगे बोलता है कि जो फंडिंग होगी ये मिलेगा किसानों को कहाँ से, दोस्तों देखो 60 आएगा हमारे सेंटर से और 40 आएगा हमारे राज्यों से। अगर कोई राज्य नॉर्थ ईस्ट का है या फिर दोस्तों जैसे कि कोई हिमालयन स्टेट है, तो 90 आएगा हमारे केंद्र से, 10 आएगा हमारे उस राज्य से। ठीक है, क्यों सर, क्योंकि हमारा एक सेंट्रलियन स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जो एलोकेशन है, दीज आर बेस्ड अप ऑन स्टेट प्लान एक्सपेंडिचर फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब दोस्तों कि आपका जितना एक्सपेंडिचर होगा दोस्तों, उतना बढ़िया आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट प्लान्स हैं वो बनाए जाएंगे, ये मैंडेटरी होंगे, एंड इट विल इनकरेज कन्वर्जेंस विथ अदर प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल नरेगा। इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन फार्मर्स इफर्ट थ्रू क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि जो आप खेती किसानी है वहाँ पर आप बनाते हैं ना नए इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे कि जो इरीगेशन है इसको इम्प्रूव करते हैं, तो आपको और दिया जाएगा इंसेंटिव। ठीक है ना, तो मतलब करके रहे हैं जो केंद्र है वो हमारा जो राज्य सरकार है इसको बता रहा है कि तुम और पैसे एलोकेट करो और ऐसे ऐसे काम करो कृषि में, ताकि जो ग्रोथ रेट है हमारे फार्मिंग का वो बढ़े। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारे करीब करीब आधी पॉपुलेशन डिपेंड करती है फार्मिंग सेक्टर पर। ठीक है ना, तो ये सब बातें हैं इसके अंतर्गत हैं सब स्कीम्स। कुछ ये हमारा है ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, एडिशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सैफरन मिशन, क्रॉप डाइवर्सन प्रोग्राम, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, बी कीपिंग, टारगेटिंग राइस फॉलो एरिया। तो दोस्तों ये सब हमारे जो स्कीम्स हैं वो इसके हैं, कृषि मंत्रालय के हैं। अब दोस्तों बात आती है हमारे और भी स्कीम्स हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कीम्स, ई रकम है, प्रोजेक्ट चमन है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आते हैं NPSTA, मिशन फ्रिंगलिंग, फिर हमारा दोस्तों आता है डेयरी सेक्टर, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो जो सारी बातें हैं ना, इन सबको दोस्तों देखेंगे अपने अगले वीडियोस में। तो उसमें हमारा पार्ट 1 था, इसके बाद आगे आपको काफ़ी सारे पार्ट्स मिलेंगे हमारे इन स्कीम पे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग वहाँ पे दोस्तों अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।